Now started. So video is a powerful medium, but we have to as a teacher, हमें बहुत ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो content cover हो रहा है, जिस target audience के लिए हमने वो content बनाया है, और उस target audience की specification, जैसे कि वो कौन से background से आता है, क्या उसका language है, कैसा उसका social structure है, उन सब को देखते हुए, क्या उसका cultural scenario है, उन सब को देखते हुए अगर हम proper pedagogical inputs के साथ कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, किस तरह का टीचिंग फॉर्मेट हम यूज करें, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, कि वो वीडियो एक इफेक्टिव वीडियो की तरह हमारे काम आए. सो ये जो सारे आइडियाज हैं, इसको कहते हैं हम लोग वीडियो बनाने से पहले या कोई भी एजुकेशनल रिसोर्स बनाने से पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम ब्रीफ की, जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं हमारे कॉन्टेंट का, कि हमने क्या पढ़ाया, एनालिसिस करते हैं हम अपने लर्नर का कि उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी इमोशनल, उसकी एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है. उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस कंटेंट और उस एज ग्रुप ऑफ लर्नर के लिए कौन सा फॉर्मेट जो है वीडियो प्रोग्राम का एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट की तरह काम आएगा. जैसे आज अजीत सर ने आपको कुछ फॉर्मेट सुबह बताए थे, वो हम सभी वापस यहाँ एक बार देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूड्रामा है या इंटरव्यू है. तो अब अगर आप प्राइमरी के लिए बना रहे हैं कोई प्रोग्राम, या मिडिल के लिए बना रहे हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी के लिए बना रहे हैं, तो फॉर्मेट अलग होगा हमारे प्रोग्राम का, वो हमें देखना बहुत जरूरी है. और वीडियो जो है, वीडियो इज लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल. The way audio is one important way of presenting information, video is also one very important way of presenting the information. और इसके अलावा हम use जो है video का वो भी देख सकते हैं कि कौन कर रहा है. जैसे हमने जब learner की बात की, तो जब हम student के लिए बना रहे, तो student तो उससे benefit होगा ही, पर teacher को भी उससे कुछ ना कुछ benefit होगा, क्योंकि एक तो teacher उसके लिए अलग से prepare करेगा, और जब स्टूडेंट्स उसको फ्लिप्ड लर्निंग मोड में या किसी भी मोड में देख करके प्रेजेंट करेंगे या पढ़ेंगे, तो टीचर को उसको पढ़ाने में और आसानी होगी. तो इस तरह, और ये जो एक रिसोर्स है, एक बार बन गया, इट कैन बी रीयूज्ड आल्सो. सो ये हमारे टीचर लर्नर सभी को बेनिफिट होंगे. प्लस जो हम प्रिंट में सीखते हैं, उसको हम विजुअल में उससे बेटर सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास इमेजेस हैं उसकी. हम ज्यादा से ज्यादा इमेजेस या पूरा प्रोसेस जो है, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन है या मैथ्स की कोई ट्रिक है, तो हम उसको मैथमेटिकल किट के यूज करके या और अलग अलग टेक्निक से भी हम उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, और वो उनको ज्यादा बेनिफिशियल और मोर अंडरस्टैंडेबल वो टॉपिक हो जाएगा. सो अब वीडियो को कैसे हम लोग किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए, जैसे केस स्टडी बनानी है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए यूज करते हैं, डिजिटल स्टोरी टेलिंग किसी ने मेंशन किया था चैट बॉक्स में, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. प्रोजेक्ट भी हम वीडियो बेस्ड बना सकते हैं या बनवा सकते हैं स्टूडेंट से, बट द ओनली अगेन ऑप्शन इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड कंबाइनिंग इट विद proper media format so that the result is useful to all of us. In formats ke upar main zyada nahi jaungi kyunki jo audio mein discuss hue wahi format video mein bhi apply hote. Kuch formats ko hum definitely mix and match kar sakte hain video mein, hum aur benefit le sakte hain, par documentary sir ne bahut detail mein aapko explain kiya ki jo factual based hai, documented content hai. Ab documented ka matlab sirf paper nahi tha jaisa sir ne bola, डॉक्यूमेंट का मतलब इंस्क्रिप्शंस है या अदर मटेरियल्स आल्सो अवेलेबल ऑफ दैट टाइम. देन ड्रामा है, ड्रामा के अंदर हम फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, बट दे आर प्रेजेंटेड इन अ ड्रामा स्टाइल. देन देयर इज डॉक्यू ड्रामा, यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली द प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड अ लिटिल बिट वेरीड. देन टॉक इज लाइक सिंपली द फॉर्मेट विच वी यूज इन द क्लासरूम, लाइक द लेक्चर मेथड इफ वी कैन सिंपली से. Then interview, we all are very much aware of this. We have seen it on the news channels also. Now for a secondary or senior secondary child, maybe if a child is learning economics or any other subject, then the expert interviews can be of very effective use to them for getting new knowledge about their own topics.
feature is we are focusing on any one aspect of a personality, of a place, or any other topic. So feature can be basically we are too, it is a very, when we go very narrow on a topic and we find out a very small detail and focus on that, the feature bhi hum bana sakte hain. Mix of different formats depending on the need. Jaise maan lijiye poem hai. Ek teacher poem padha rahe hai, kavita padha rahe hai, to usme kavita part bhi hoga, usme kavita ka explanation bhi hoga, usme wo bachchon se arth bhi pooch sakte hain. To ye different format ek hi uske andar hum log use kar sakte hain. Aur uske baad voice of the people, jiske andar hum स्टूडेंट्स से जाके या बच्चों से जाके बात कर सकते हैं या टीचर से जाके बात कर सकते हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी एक मुद्दे पे या उनकी क्या राय है. वॉक्स पॉपुली का उतना एजुकेशन में यूज नहीं होता है, ये न्यूज के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है. पर कभी मान लीजिए एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, अभी आपने नोटिस किया होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई तो वॉक्स पॉपुली ओपनली नहीं हुआ, लेकिन सभी के पास एक इन्वाइट आया कि अगर आप अपना इनपुट देना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके अपना जो भी पॉइंट है वो रजिस्टर करें. तो ये वॉक्स पॉपुली ही था, पर केवल रेडियो और वीडियो के माध्यम से ना होके इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने इंडिविजुअल्स को पूरे अक्रॉस द कंट्री पूछा बेसिकली कि अगर आपका कोई क्या आप एजुकेशन में बदलाव चाहते हैं वो आप दर्ज करवाएं. इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनानी थी, अभी एक साल पहले की बात है, तो उन्होंने कांटेक्ट किया तो हम लोगों ने कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से. अब कम्युनिटी रेडियो क्या है अगर आप लोग तो जानते होंगे शायद, छोटे स्केल पे काम करता है, 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस में रूरल एरिया में काम करता है. तो उन्होंने रूरल एरिया से पूछा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में क्या चाहते हैं. सो दिस इज द वे एक्चुअली वी आर गेटिंग वॉइस ऑफ द पीपल हियर ऑल्सो. नाउ वी आर कमिंग towards creating video because we know all these formats and why we need video, benefits of video, we are well aware as a teacher. So, सबसे पहले अगर जब हम video की बात करते हैं तो हमें video बनानी पड़ती है. अब video बनाने के दो मतलब है, एक तो final video बनाना और एक है final video के लिए भी हमें एक draft video की जरूरत पड़ती है. जैसे हमने mobile से कोई recording की, आप मान लीजिए अपने शहर के किसी मॉन्यूमेंट में गए और आपने उसकी पूरी एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग की, कुछ अच्छे फोटोज खींचे, तो ये आपका रॉ डेटा हो गया. अब आपने सोचा कि मैं दादरा में रहता हूँ या दमन दीव में रहती हूँ तो बाकी लोग यहाँ इतना कन्वीनियंटली नहीं आ पाते, तो उन्होंने वहां के उस मॉन्यूमेंट किया, एक मंदिर किया, जो भी एक रिसोर्स है वहां पे, या मान लीजिए वहां के फ्लोरा एंड फाउना की एक वीडियो बनाई, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली. नाउ द टीचर वॉन्ट्स कि ये सब तक पहुंचे, उनको पता चले कि इस तरह के कोस्टल एरिया में किस तरह की फ्लोरा एंड फौना है या क्या दिक्कतें हैं. अब वो जब एक ड्राफ्ट वीडियो बन गया तो एक जरूरत पड़ती है उसको एडिट करने की, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर साउंड, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं हमारी स्क्रिप्ट तब भी रेडी होगी लेकिन कब कौन सा शॉट मिलेगा, हमें वो लाइन वहां बोल पाएंगे, वो मैच होगी या नहीं, ये हमें नहीं पता होता. तो उसके लिए क्या होता है, एडिटिंग की जरूरत हमें पड़ती है. तो वन सबसे पहला एस्पेक्ट आ गया इसके अंदर स्क्रिप्ट, जो आप लोगों ने शायद फर्स्ट डे लास्ट सेशन के बाद अपनी कोई ना कोई स्क्रिप्ट बनाई होगी. उसके बाद आता है वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कीजिए अपने फोन की मदद से, या फिर अगर किसी के पास वीडियो कैमरा है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से. जैसे उन्होंने बोला कि मैंने पीपीटी का वीडियो बना दिया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी easy way of creating videos, that we are playing the PPT and we are also giving our audio to that presentation. Then also we can simply use images and other things and create a video. तो हमारा ये तो हो गया backend. अब अगर आपने एक video recording किया, उसके अलावा आपको क्या चाहिए उस video में, वो भी आप, जैसे कुछ photos अगर आप डालना चाहते हैं या जो भी आपको voice, आपको audio उसके लिए चाहिए, वो आप उसके लिए जरूर record कर लें. उसको आप ऑडेसिटी के माध्यम से रिकॉर्ड करके एडिट करके अच्छी ऑडियो फाइल भी क्रिएट कर ले. फिर हम लोग आते हैं इस सेशन में जहां हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है और एक ऑडियो भी हमने उसका फाइनल बना लिया है. तो अब एडिट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं. आप लोगों ने किनेस्टार वगैरह जैसे मेंशन किया, तो ये एप्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, पर जिस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की हम बात करेंगे वो है ओपन शॉट वीडियो एडिटर.
अब इसके नाम में ही ओपन आता है. सो दिस इज बेसिकली द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्रीली एंड ओपनली टू ऑल ऑफ यू. यू हैव टू सिंपली डाउनलोड इट. यू हैव टू डाउनलोड एंड स्टार्ट यूजिंग इट. यू कैन यूज एनी अदर मीडियम्स ऑल्सो, अदर मोबाइल ऐप ऑल्सो, बट राइट नाउ फॉर दिस प्रोग्राम वी आर फोकसिंग ऑन ओपन सोर्स ओपन शॉट वीडियो एडिटर. इट डज नॉट हैव, इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं है, तो ये सिर्फ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. पर हाँ मतलब ओपन जैसे हमारे विंडोज के लिए इसका अलग वर्जन है, मैक के लिए अलग वर्जन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. अब हम आते हैं कि हमें ओपन शॉट मिलेगा कहाँ से. तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग www.openshot.org पे जाएंगे. ये लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, openshot.org पे जाएंगे. जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डाउनलोड बटन है, वहां डाउनलोड करेंगे. आपके ऑप्शंस वो देगा, अभी केवल विंडोज की दिख रही है क्योंकि वो स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके कंप्यूटर के हिसाब से विंडोज 64-bit, विंडोज 32-bit, मैक या फिर उबुंटू, मतलब जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, उसमें भी हमारे ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं. जैसे विंडोज पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह उबुंटू जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो वो उसके लिए भी इन्होंने अपना एक वर्जन डेवलप किया हुआ है. सो नाउ यू कैन सिंपली पैरेलली स्टार्ट डाउनलोडिंग इट ऑल्सो, सो दैट व्हेन वी विल बी डूइंग इट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दिस. सो हियर यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर नीड्स एंड डाउनलोड. नाउ वंस यू डाउनलोड इट एंड ओपन द प्रोजेक्ट, After downloading, you have to first run and install it in your computer. So it will work on Windows. Again, there was yesterday and during concept mapping, there was a problem with one of the participants saying that it is not opening. So that was tablet. On tablet, it might not work because it is not Windows based. Ma'am, abhi repeat hi ho raha hai. Tension mat lijiye, sab cover ho jayega. ओके मनीषा जी, आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा पैरेलली, जिस वक्त भी आपको लगे. सो आप विंडोज के बेसिस पे आप इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड करें, ज्यादा बेहतर होगा. अब जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे विंडोज में अपने कंप्यूटर पे, तो उसके बाद जब ओपन करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे खुलेगी. इसको देख के आपने घबराना नहीं है कि इतनी सारी चीजें मैं कैसे मैनेज करूं. हम एज अ टीचर हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग कभी कभी नहीं होते हैं, तो दैट इज परफेक्टली ओके. सो यहाँ पे कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, कुछ हम लोग ड्यूरिंग द सेशन भी अच्छे से सीखेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत इस तरह की ना हो. अब आप यहाँ देखेंगे, ये तो फाइल, एडिट, टाइटल, व्यू, ये सभी कॉमन बटन है जो हम अवेयर है. यहाँ पे एक प्लस बटन है जिसका मतलब है एड फाइल्स. क्या होता है कि जब हम किसी तरह के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हम कोई एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक रफ वीडियो चाहिए, एक रफ ऑडियो चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, तो वो हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. तो जब भी हम एक नया वो शुरू करेंगे, वो एक मेजर प्रोजेक्ट बनेगा और उसके अंदर बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइल्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे. ये आप बटन देख रहे होंगे, ये है प्रोजेक्ट फाइल्स. जैसे ही आप डालोगे यहाँ वीडियो, ऑडियो, इमेज नजर आने लगेंगे. और उसी के साथ यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स, जब वीडियो एडिटिंग करेंगे उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे. ये वीडियो जहाँ प्ले होती है वो है प्रीव्यू विंडो. यहाँ पे आपको बेसिकली ये टीवी का काम करेगा. इस वीडियो को हम यहाँ नीचे लाएंगे और जब प्ले करेंगे तो वीडियो जो है यहाँ पे हमें विजिबल होगा. ये सारे हमारे छोटे छोटे से एडिटिंग टूल्स हैं, ये सभी हमें दिखेंगे, हम एडिट भी कर पाएंगे. और ट्रैक को अगर, जैसे यहाँ 5 ट्रैक एडिटिंग के लिए ऑलरेडी दिए गए हैं, ऐड ट्रैक करने के लिए भी हम यहीं पे ये हमारे पास प्लस बटन यहाँ वाला जो है वो ऐड ट्रैक करने के लिए, अगर हमें लगता है हमें और ट्रैक की जरूरत है तो वो भी हम कर सकते हैं. अब हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं सो दैट हम इसे यूज कर पाए. तो अब जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको मेरी अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी.
यहाँ पे ओपन शॉट वीडियो एडिटर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, ग्लोब है, उसके ऊपर एक वीडियो के लोगो वाली पट्टी लगी हुई है, ये आपका वीडियो ओपन शॉट वीडियो एडिटर का लोगो है। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एक मिनट तक लेता है, क्योंकि जब ये बड़ी प्रोजेक्ट फाइल्स होती है इनमें सब कुछ चीजें टाइम लेती हैं, और अगर आप लोग पैरेलली अपने सिस्टम पे इसको शुरू करेंगे तो बाकी की बहुत सारी चीजें जो ज्यादा यूज में नहीं है आप उनको बंद कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा रैम उस पर खर्च होगा तो आपको मुश्किल होगी काम करने में। So we'll just wait for this open shot to open and then we will start working on this. ये अभी आपके सामने एक स्क्रीन खुल गई है, कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक ओपन होगा आपके सामने। ये मैंने बताया था प्रोजेक्ट फाइल्स की प्लेस है, ये हमारी प्रीव्यू विंडो है और ये हमारे ट्रैक्स हैं। अब अगर आपको इनमें से कुछ छोटा बड़ा करना है तो आप अपनी नीड के हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को लाना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट की फाइल्स चाहिए होंगी जिनको हम यूज करके एडिट करेंगे। इज इट नॉट विजिबल टू यू? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Is my screen visible? Yes, okay, it's visible. Okay, right. Thank you. Somebody said it is not visible, that is why I had to ask. So now, here I'm going to import certain files. I will use this plus button. Once I click on this button, मैं अपने कंप्यूटर पे आ गई। जैसे हम लोग जीमेल पे फाइल अटैच करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर पे आ जाते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे आई, जहां पे भी मैंने अपनी फाइल्स रखी हुई हैं, मैं उस फोल्डर पे जाऊंगी। ये एक वीडियो है मेरे पास, मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करती हूँ, यहाँ पे ले आई। इसके अलावा भी अगर मुझे कोई और फाइल चाहिए तो यहाँ से या फिर फाइल मेन्यू में आप जाएंगे तो वहां पे भी आपके पास बटन है इंपोर्ट फाइल्स। मैं यहाँ पे आई वापस और मुझे जो भी और फाइल्स चाहिए, आई डोंट रिमेम्बर बट आई जस्ट अ फ्यू फाइल्स, तो ये मैंने दो तीन फाइल्स यहाँ पे एड कर ली। इसके अलावा हमें हो सकता है कुछ म्यूजिक भी चाहिए तो हम म्यूजिक भी ढूंढ सकते हैं। Anyway, I'll add the music later. अब हमारे पास एक वीडियो आ गई और कुछ इमेजेस हमारे पास हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को ड्रैग करेंगे। अब आप लोग केयरफुली देखिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने ये वीडियो लिया, इसको ड्रैग किया और ट्रैक 4 पे लाके छोड़ दिया। ट्रैक 5 पे उसको नहीं रखना है। बाद में हम लोग इसको समझेंगे कि इसको ट्रैक 5 पे क्यों नहीं रखना है, वो भी हम देखेंगे। ये एक वीडियो है, अब मैं इसको प्ले करती हूँ और हम देखते हैं कि क्या इसमें हम देख रहे हैं।
What is this video about? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं, फूल तोड़ जो ले जाते हैं, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई। ये वीडियो जो है एक पार्टिसिपेंट के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, टीचर ने क्रिएट किया है। अब उन्होंने इसको किसी एक एप्लीकेशन जो हम आने वाले दिनों में कल में सीखेंगे, स्टॉप मोशन एनिमेशन से उन्होंने ये वाला वीडियो क्रिएट किया है। अब इस वीडियो में हम क्या करना चाहते हैं, हमें पहले ये देखना हो, हमने एक वीडियो बना लिया, यहाँ उन्होंने आपने देखा होगा अपना नाम लिखा है निशा मेहरा करके, हम चाहते हैं कि वो नाम हमारा टाइटल में आए, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें हैं जो हम हर वीडियो में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वही शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल, एडिट और टाइटल, मैं टाइटल क्लिक करूंगी, टाइटल में आप फर्दर आगे जाएंगे, यहाँ से मैं अपना टाइटल सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी आपको टाइटल का टेम्पलेट पसंद आए वो बना लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें तो टेम्पलेट बहुत कम है, आप पीपीटी पे भी जाके अपना टाइटल बना के इमेज फॉर्म में उसको यहाँ ला सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अब मान लीजिए मैंने ये वाला टाइटल लिया, ये आ गया यहाँ पे, अब मुझे इसके अंदर ये तो लिखा है द टाइटल, मुझे अपना टाइटल चेंज करना है, यहाँ लाइन वन करके जो है उसको मैं अपना टाइटल दूंगी बटरफ्लाई, अब मान लीजिए मैं इसका फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कुछ बदलना चाहती हूँ तो वो सब चीजें मैं यहां से बदल सकती हूँ, ये चेंज फॉन्ट है, उसका साइज है, यहां से मैं उनके साथ चीजें बदल सकती हूँ। मान लीजिए पोएम है बच्चों के लिए, तो मैं इसको कॉमिक वाले फॉर्मेट में करना चाहती हूँ, वो मैंने किया, और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसी तरह इसका बैकग्राउंड कलर अगर मुझे थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो गया, मेरे को जिस तरह से उसके साथ करना है, और भी कुछ एडवांस चीजें करनी है वो हम इस पे कर सकते हैं, एंड देन आई से सेव इट, नाउ इट हैज बीन सेव्ड। यहाँ पे आप देखेंगे एक और फाइल अपियर हो गई, विच इज अ इमेज फाइल, जो मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी, हर फाइल को हमें यहाँ ड्रैग करना होगा। अब जब मैं ड्रैग कर रही हूँ आप देखेंगे ये उससे बहुत बड़ी है जो स्पेस मैंने छोड़ी है, तो उसके लिए दो तरीके हैं, उसको मैं अलग ट्रैक पे रख के इसको थोड़ा दूर ले जाऊं और फिर उसको बीच में ले आऊं, ये एक तरीका है। अब आप देखिए कैसा लग रहा है, कोई भी स्टैटिक इमेज जैसे कि टाइटल इमेज है, आपको ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर बहुत लंबी देर के लिए इसको ना छोड़े, क्योंकि वो बोरिंग लगेगा सुनने में। अब आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ये एक टाइटल स्लाइड से वीडियो में हम शिफ्ट हुए हैं, डायरेक्ट शिफ्ट हुए हैं। अगर मैं इसमें दूसरा तरीका करूं, मान लीजिए इसको इतना ही रखती हूँ, अब ये यहां जैसे ही छोड़ूंगी आप डिफरेंस देखिएगा, ये मैंने छोड़ा तो आपने देखा इसके ऊपर कुछ ये ब्लू बॉक्स आ गया, वो ब्लू बॉक्स क्या है, वो कुछ नहीं है, एक ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन आप यहां क्लिक करके भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस तरह से भी ले सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से हम टाइटल से वीडियो की तरफ मूव करेंगे, देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुली हमने मूव किया अंदर, पंख कहां से लाई हो क्या तुमको। अब हमको देखना है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें जैसे बटरफ्लाई पे बहुत फोकस है तो हम तितली को अलग से दिखाएं, मान लीजिए कोई ऐसी क्लास है जिसमें हम बच्चे को सिर्फ पोएम नहीं पढ़ा रहे, हम चाहते हैं वो तितली को पहचाने, तो अब यहाँ मैं इस वीडियो को कट करना चाहती हूँ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कोई भी वीडियो कट करने से पहले कि इस वीडियो में इनबिल्ट ऑडियो है, अलग फाइल नहीं है, तो आपकी ऑडियो कट जाएगी, तो उसके लिए आप वीडियो क्लिक, जो भी वीडियो फाइल है उस पर क्लिक करें सिंगल, एंड देन राइट क्लिक,
यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगी राइट क्लिक पे सेपरेट ऑडियो, उसको करेंगे हम सेपरेट ऑडियो पे सिंगल क्लिप, मतलब उसका ऑडियो सिंगल क्लिप में अलग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ऑडियो है इसमें, म्यूजिक है तो आप डबल उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिप किया और आप देखेंगे नीचे ऑडियो अलग हो गया। जस्ट अ सेकंड, राइट। तो अब हम लोग इसको कट करेंगे अगर वीडियो को, तो हमारा वीडियो कट होगा, ऑडियो कट नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया कहाँ मैं कट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं कट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे ये एडिटिंग टूल्स है इसके, ये एक सीजर बनी हुई है, इसे कहते हैं रेजर टूल। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिएगा कर्सर चेंज हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये कर्सर कैसा हो गया, एक पेंसिल जैसा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। जहां से मैं कट करना चाहती हूँ वहां लेके जाऊंगी उस कर्सर को, और एक सिंगल क्लिक करनी है, अदरवाइज मैं जितने क्लिक करूंगी वो उतने में उसको कट मार्क कर देगा। एज सुन एज यू हैव कट इट, डीसेलेक्ट दिस टूल, बिल्कुल अनसेलेक्ट कर दीजिए। अब आप देखिए नॉर्मल हो गया, नाउ योर ऑडियो वीडियो इज डिफरेंट, यू कैन सी दिस, ये दो हिस्सों में बट गई है आपकी वीडियो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बीच में एक इमेज लाना चाहती हूँ बटरफ्लाई की, सो वट विल आई डू इज आई विल गो, मैंने वो इमेज पहले से ढूंढ रखी है, वो मैं लेके आती हूँ, एंड यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा और कम स्पेस करके सो दैट ये अपने आप भी ट्रांजिशन ले ले, नहीं तो हम लोग देख भी सकते हैं कि ट्रांजिशन कैसे डालनी है। मैंने ये बीच में रखा एंड देन आई हैव जॉइंड इट, नाउ वी विल सी हाउ इट लुक्स। कहां से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे। अब हमने यहाँ देखा ये इमेज आ गई, पर बहुत देर के लिए, हम उतनी देर के लिए नहीं रखना चाहते, तो आप सिंपली उसको इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं, छोटी हो जाएगी ये, उतने कम देर के लिए अपीयर होगी, या फिर आप उसको रेजर टूल की मदद से कट करके भी रिमूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक ट्रांजिशन लगाना चाहती हूँ कि इसमें एक स्मूथ फेड इन फेड आउट हो, तो मैं ये मान लीजिए फेड लेती हूँ और यहाँ पे लेके आई और तितली के ऊपर रख दिया। अब मैं ये देख रही हूँ कि फेड तितली से बड़ा है, तो मुझे उसको पहले छोटा करना होगा एंड देन आई विल सी हाउ इट अपीयर्स। ये जो बार है, जो रेड बार है, इसको ये प्लेइंग बार है बेसिकली, इसकी मदद से हम प्ले करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ऑडियो बहुत रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों? तो ये सेव होने में अपने आप थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो इसीलिए ये ऐसे आवाज कर रहा है, पर जब हम फाइनली इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये अपने आप सही प्ले भी कर देगा। Now ये आपने इफेक्ट देखा कैसा लग रहा है इसको, यहाँ पे एक इफेक्ट हमने डाला था, क्या तुम कोई कितने अच्छे से ये एक हमारा इफेक्ट आ गया यहाँ पे, और हमारी जो बटरफ्लाई है वो बहुत स्मूथली आ रही है। ये हो गया हमारा रेजर टूल, और हमने एक तरह से वीडियो को भी अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको भी अगर इस तरह करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो, पर अगर पूरा करते हैं तो पूरे तक भी जा सकती है। ये होगी हमारी बेसिक इसकी एडिटिंग, ठीक है। अब जब आप थोड़ा सा काम कर ले किसी भी टूल में, तो आप उसको सेव प्रोजेक्ट को साथ साथ करते रहे। जब हम कोई भी चीज प्रोजेक्ट में सेव करते हैं, ये कल भी कंफ्यूजन था तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं, जो भी काम इस तरह के प्रोजेक्ट में होता है उसको पहले प्रोजेक्ट की तरह सेव करते हैं, वो कहीं और नहीं खुलेगा। मान लीजिए आपने एक फाइल सेव की और आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, वो नहीं खुलेगी क्योंकि वो प्रोजेक्ट फाइल है, वो केवल ओपनशॉट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर पे ही खुलेगी। अगर आपको उसको शेयर करना है तो आपको उसकी शेयरेबल फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे कि कल कॉन्सेप्ट में आपके केस में आप इमेज बना सकते थे या पीडीएफ, इसके केस में आपको वीडियो की तरह उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके उसको सेव करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, ये जो हमारे सेव, ये वाला जो सेव प्रोजेक्ट बटन है, नहीं तो फाइल में जाइए सेव प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट करते ही आपके पास ये एक बॉक्स आ गया। आप अपने प्रोजेक्ट को अपना नाम दीजिए, SRG मैं अभी दे देती हूँ, ट्वेंटी ट्वेंटी टू
और कहाँ सेव करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो. मैंने डेस्कटॉप पे जो एक वीडियो का फोल्डर बनाया मैं उसी में सेव कर रही हूँ. ये सेव, नाउ दिस प्रोजेक्ट इज सेव्ड. अभी ये वीडियो नहीं बना है, सिर्फ प्रोजेक्ट की तरह सेव हुआ है. वीडियो बनाने के लिए हमें वापस फाइल पे जाना होगा, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट वीडियो. यहाँ पे जाके मैंने एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक किया, ये आपके सामने खुला. तो जो भी फाइल मैंने सेव के नाम पे नाम टाइम पे नाम दिया था वही इसने ले लिया और उसी डेस्टिनेशन पे ये उसे सेव करेगा. यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट है, आपको किस फॉर्मेट के लिए सेव करना है. तो हम ऑल फॉर्मेट को सपोर्ट करें, अदरवाइज आपको डीवीडी पे चाहिए या किसी और डिवाइस पे या वेब के लिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं. उसके अलावा MP4 के अपने बहुत सारे वर्जन होते हैं. उसके अलावा AVI आपने देखा होगा, MOV फॉर्मेट देखा होगा. बेसिकली ये सारे प्रोफेशनली ज्यादा यूज होते हैं. हम लोग MP4 यूज करते हैं जो हमारा WhatsApp पे भी चलता है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ ये प्ले हो जाता है. MP4 में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है. अभी जो इनकी इनबिल्ट इन्होंने दी है हम वही ले रहे हैं. देन वी कम टू क्वालिटी. आपको लो चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई क्वालिटी आप डिसाइड कर लें. जैसे अगर आपने वीडियो फोन के लिए बनाया, कोरोना टाइम पे अगर फोन के लिए बनाया तो आप लो क्वालिटी में बनाइए ताकि वो छोटी फाइल हो, बच्चों को खोलना डाउनलोड करना आसान हो. अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर दिखाना चाहते हैं तो मीडियम, और अगर आपको बड़े स्क्रीन पे इसको शो करना है तो गो फॉर हाई क्वालिटी. तो अभी हम मीडियम रखते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट वीडियो. अब आप देखोगे ये एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज फाइनली गेटिंग सेव्ड. अब हमने इसमें छोटा सा काम किया जिसके अंदर हमने केवल एक टाइटल स्लाइड लगाई और कट करके देखा, पर इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम कुछ चीजें अभी और भी सीखेंगे. और टाइटल स्लाइड के बाद आप एक एंड क्रेडिट स्लाइड भी लगा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो. अभी हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, फिर हम बाकी की चीजों को भी देखेंगे और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी हम बीच में लेंगे. नाउ इट इज डन. अब हम फोल्डर में जाके देखते हैं. ये जब हम प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो उसकी कुछ एसेट्स सेव होती है, मतलब जो इमेजेस ऑडियो अलग अलग सेव होती है वो इसमें पड़ी है. अब हम अपनी वीडियो ढूंढेंगे, ये हमारी फाइनल वीडियो है. अब आप देखिए हमने इतनी देर तक इसका नाम केवल रखा है. तितली रानी इतने सुंदर पंख कहां से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं, फूल तोड़ जो ले जाते हैं. तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई. अब हमने इसका ऑडियो एडिट नहीं किया था लास्ट में तो वो वैसा ही आया. अगर हम उसे थोड़ा सा कट कर देते तो वो और भी बेहतर हमारे लिए अपीयर होता. हाउ डिड यू सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, हाउ टू सेव द प्रोजेक्ट. ओके, एक सवाल और है ना. हाँ जी. जो वीडियो में जो वो लड़की मूव कर रही होती थी, मूव कर रही है, ये कैसे क्या है? ये तो मैंने आपको बताया ना, ये वीडियो उन्होंने क्रिएट किया है, आप कल आप भी करेंगे इसी तरह का, जिसे हम कहते हैं स्टॉप मोशन स्टूडियो से एनिमेशन है बेसिकली. ये बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है जो आप लोग कल ट्राई करेंगे तो उसके अंदर आप ये सब सीखेंगे. बेसिकली क्या है, ड्रॉइंग अलग बनी है, लड़की का कटआउट अलग है, एक एक स्टेप पे हमने उसकी एक एक फोटो खींची है. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज. मैम थोड़ा ये बताइए, जहाँ वीडियो और ऑडियो को अलग करने के लिए आप बोली थी कि कितना क्लिक करना और कौन सा क्लिक करना, प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा. हाँ हाँ, मैं अभी सब कुछ रिपीट करती हूँ. तो यहाँ पे ये जो बच्ची है वो अलग कटआउट है, तो उसको एक एक स्टेप मूव करके एक फोटो खींची गई है. हर स्टेप पे दो दो तीन तीन फोटोज जब हम खींचेंगे, उसी तरह ये बटरफ्लाई का अलग कटआउट है तो वो मूव कर रही है. यहाँ पे सन का भी एक कटआउट है, आपने नोटिस किया या नहीं पता नहीं, सन भी अंदर से थोड़ा सा बाहर आ रहा है. तो इस तरह से ये कटआउट को जब हम एक एक स्टेप मूव करेंगे और उसकी फोटोज खींचते जाएंगे
तो ये बाद में हमें आउटपुट जो है वीडियो की तरह देता है। अभी मैम ने पूछा कि अलग जी एक बार मैडम फिर से बता दीजिए मैम क्या सर ये जो है स्टॉप मोशन एनिमेशन है कल आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी हमने वो किया नहीं है अभी हम लोग इसी एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन हम कल रिजॉल्व करेंगे। अभी मैम ने पूछा था कि ऑडियो को वीडियो से अलग कैसे करना है तो जो वीडियो फाइल है हमारी मान लीजिए ये वीडियो फाइल मैंने नीचे ड्रैग की इसके ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं आप देखेंगे सेपरेट ऑडियो एक ऑप्शन है आप उसको क्लिक करिए तो ऑडियो अलग हो जाएगी उससे ये देखिए नीचे ऑडियो फाइल अलग नजर आने लगी है। अब अगर मैं ऑडियो दूर कर दूंगी इस वीडियो से तो आपको कोई ऑडियो इसमें सुनाई नहीं देगा देखिए कोई ऑडियो इसमें नहीं है Now it has been separated from the video. अब उसी तरह से कुछ चीजें मैं और जो आपको बताना चाहती थी वो ये है जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप फेड इन फेड आउट कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं कि जब वीडियो खत्म हो तो स्मूथली एक ब्लैक की तरफ मूव हो जाए वो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट खत्म करना चाहें तो वो भी हम उसको कर सकते हैं। मैडम वीडियो में टाइप जो क्रॉपिंग संभव है क्या जैसे नीचे में निशा मेहरा का नाम आ रहा है तो उसको हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको अभी बताती हूँ पहले एक चीज पे फोकस करते हैं ये मैंने इस वीडियो पे गई अब मान लीजिए मैं फेड लगाना चाहती हूँ तो एंड ऑफ क्लिप में मैं फेड आउट कर रही हूँ फेड आउट फास्ट चाहिए या स्लो वो लगा दिया मैंने अब आप देखिए किस तरह से ये वीडियो एंड होती है हमने अभी एंड देखा है पहले अब हम दोबारा एंड देखते हैं इसका ये हमारा वीडियो जो है एंड होना शुरू हो गया सो इस तरीके से आप फेड आउट कर सकते हैं। अभी आपने बोला कि ये जूम होता है या नहीं मैं नाम हटाना चाहती हूँ तो बिल्कुल होता है यही पे आप प्रीव्यू में जाएं जब भी इस तरह का काम करें तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में अपने कर्सर को रखें और यहाँ पे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं देखिए मैंने सिंपली ड्रैग किया है तो आपका जूम आउट हो गया नाम इस तरह से आप इसको जब करेंगे तो ये आपका अब आपको नहीं दिखेगा ठीक है। अब इसके बाद एक जो टीचर्स का प्रश्न आता है अगर सबसे पहले हम आप ही के प्रश्न ले लेते हैं एक और था वो मैं ले लेती हूँ टाइटल को हिंदी में कैसे लिखें यूनिकोड से भी नहीं आ रहा तो सर उसके लिए आपको जो इनपुट टूल है गूगल इनपुट टूल आप वहां से कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि पीपीटी के माध्यम से या इंफोग्राफिक के माध्यम से भी आप टाइटल स्लाइड बनाकर ला सकते हैं इसके अंदर। मैम हाँ जी मैम ये अभी जो ऐप अभी जो रनिंग है ना अभी आप जिस पे काम कर रही है ये ऐप और इनशॉट ऐप इसमें क्या फर्क है मतलब सर मैंने इनशॉट यूज नहीं किया पर इनशॉट जो मुझे पता है वो वीडियो एडिटिंग ऐप ही है वो मोबाइल पे चलता है ये लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप वर्जन है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम सीख रहे हैं इनशॉट मोबाइल का ऐप है जो आजकल फ्रीली अभी अवेलेबल है बाद में हो सकता है वो पेड भी हो अदरवाइज। अच्छा अच्छा और ये एक मैम और ये अभी जो जिस ऐप पे अभी आप काम कर रहे हैं मैम तो वो ऐप इस पे मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो सकता क्या? ये मोबाइल के लिए नहीं है सर ये मोबाइल के लिए नहीं नहीं मैम मोबाइल के लिए इनशॉट काम करता है। हाँ हाँ मोबाइल अच्छा, मैंने वही तो बोला आपको कि मोबाइल इनशॉट जो है मोबाइल पे काम करता है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐप है किने मास्टर किसी अच्छा, अच्छा, थैंक यू। वो सभी यूज हो सकते हैं बट हम यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कोशिश करते हैं सीखने की तो ये वो है। अब अगर जैसे आप बोले कि मतलब क्लास सेवेंथ की हिंदी की बुक किसी स्टेट की मान लीजिए उसमें और एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में क्या डिफरेंस है? वो दो डिफरेंट बोर्ड्स की है ये दो डिफरेंट जगह से कोई सॉफ्टवेयर बन रहे हैं अदरवाइज क्या डिफरेंस होता है? थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस होगा जो इसमें होगा या नहीं होगा उसमें भी हो सकता है हो या नहीं हो अदरवाइज काम हम सब एक ही कर रहे हैं कि हम वीडियो को एडिट करने का काम कर रहे हैं। अब आपका एक सवाल कोई और सवाल है अभी आपको इसमें जितना हमने किया वो आपको समझ आया तो आगे बढ़े जी मैम आप एक जगह सेंटेंस यूज करी थी कि इसको तुरंत से अंडू करें
नहीं तो वो उतना ज्यादा पार्ट में कट जाएगा, तो थोड़ा सा वो वाला पार्ट को एक बार रिपीट कर दें। जहां से अभी आप बोली कि राइट क्लिक करते हैं तो सेपरेट ऑडियो करने का आ जाता है, फिर आप उस पर सिंगल क्लिक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं वो पार्ट थोड़ा। ये आपका रेजर टूल है, आप इसको जब यूज करेंगे आपको समझ आएगा। जैसे ही आप अभी ये अनसिलेक्ट है, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगी मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा और जितनी बार मैं एक सिंगल क्लिक करूंगी वहां ये वीडियो को काट देगा। ये देखिए, तो हमें अपने वीडियो को ज्यादा कट्स नहीं लगाने जब तक की जरूरत ना हो, तो इसीलिए हमको इसको जैसे ही हमने यूज किया तो उसको वापस डीसिलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो पे एडिट ना पड़ेगा। मैं वीडियो से ऑडियो को डीसेलेक्ट अलग करना वो प्लीज बताइए। थैंक यू। ये राइट क्लिक करके सर सेपरेट ऑडियो बटन है, सेपरेट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो सिंगल फ्लिप में आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू। इसी तरह हमने ये फेड अभी अभी सीखा, आप एनिमेट ट्राई कर सकते हैं, रोटेट भी, कोई इमेज है आपकी आपको रोटेट करनी है वो भी हो जाएगी, और चीजें भी यहाँ पे वॉल्यूम, अगर मान लीजिए अब ये एक हमने वीडियो बनाया, हम इसमें एक म्यूजिक फाइल डालना चाहते हैं, मान लीजिए म्यूजिक बहुत लाउड होगा तो हमें उसकी ऑडियो को भी कम करना पड़ेगा। तो अब हम एक लोग इसमें एक म्यूजिक फाइल में डालती हूँ, अब हम देखेंगे म्यूजिक कैसे काम करेगा इसके साथ, एक ऑडियो फाइल और जब हम ऐड करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। ये मेरे पास एक वीडियो है और म्यूजिक है, ये मैंने यहाँ लाया और मैंने इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया। ये बहुत बड़ी फाइल है म्यूजिक की, मुझे उतनी बड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक लाके छोटा कर दी। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वीडियो पे क्या इससे फर्क पड़ेगा, तो हम देखेंगे हमें क्या एडिट करना। अब हमें लग रहा है जो हमारी स्पीकर की ऑडियो है उससे भी ज्यादा हाई वॉल्यूम हमारी म्यूजिक की है, तो हमें म्यूजिक की आवाज को कम करना है। हम अगेन राइट क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, एंटायर क्लिप पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पूरी उसकी ही बहुत कम करनी है, और 10% पे सीधा क्लिक करेंगे क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, मेन म्यूजिक ये नहीं है, तो हमें उस तरह से इसके साथ डील करना है। अब आप देखिए अब हमारे म्यूजिक की आवाज काफी कम हो गई है, हमें लगता है हमें और कम करनी है, तो हम और भी वहां जाके एंटायर क्लिप पे जाके और कम कर देंगे। और अब देखते हैं इसको, यहीं से आपको वॉल्यूम पे जाके एंटायर क्लिप पे जाके 10% पे ही रखना होगा, तभी आपकी ऑडियो उसके साथ मैच करेगी। अभी उनकी ऑडियो अटक रही है क्योंकि सेव नहीं हुआ है ठीक से। इस तरह से आप म्यूजिक में, यहाँ पे बेसिकली ऑडियो के बहुत फीचर्स इसमें नहीं है, उसके लिए आपको ऑडेसिटी ही यूज करना पड़ेगा, बट इस तरह थोड़ा सा लेवल बढ़ाना या कम करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैम यूज ऑफ 5 ट्रैक्स, थैंक यू सर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे एडिट किया, एक के ऊपर एक वीडियो या इमेज लगाई, तो ऊपर वाला ट्रैक क्यों खाली है। सबसे पहले जब भी आप वीडियो एडिटिंग करें तो जिस टॉप ट्रैक पे, जो सबसे ऊपर का ट्रैक है, उस पे अपनी मेन वीडियो को रखें जो आप चाहते हैं स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। पर हमने क्या किया, एक ट्रैक से नीचे रखी है पर ऊपर कुछ नहीं है, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी रख देंगे तो नीचे वाली वीडियो दिखना बंद हो जाएगी, जैसे कि हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक मेरे पास एक और बटरफ्लाई की इमेज है, मैंने ये इमेज ऊपर रख दी, अब देखिए अब क्या होगा। ये देखिए आपकी वीडियो के ऊपर ये इमेज, क्योंकि छोटे साइज की है तो आधे पार्ट में ये इमेज दिख रही है, तो जो ऊपर होगा वही दिखेगा। अब हमें फिर क्यों इस ट्रैक की जरूरत है, हमने इसको खाली क्यों छोड़ा, तो जैसे अब एज अ टीचर हमने, उन्होंने अपना नाम निशा जो भी है उनका नाम, उन्होंने टीचर ने अपना नाम रखा था इस वीडियो में, अगर आप अपना नाम बाद में डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाले ट्रैक का यूज करते हैं। और दूसरा, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया, आपने अपना कोई लोगो बनाया है, आप चाहते हो लोगो अपीयर हो आपके वीडियो पे, तो उस लोगो के लिए ये जो ट्रैक है यूज होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज पे आई, जैसे ये इमेज स्टार्ट होती है
सबसे पहले तो मुझे मान लीजिए लोगो बनाना है, तो जितना बड़ा लोगो चाहिए उसको उतना बड़ा कर लो उस इमेज को उतनी देर के लिए। ये लीजिए, मैंने इस वीडियो इमेज को पूरा खींच लिया आगे तक। अब मैं आती हूं यहाँ पे, और इसको अब आपने जैसे हमने जूम इन जूम आउट किया था, इसको हम जूम आउट जूम इन कर जूम आउट कर देंगे और बहुत छोटा सा कर देंगे। ये हमने लोगो बनाया और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जहां भी आप अपने लोगो को प्लेस करना चाहते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे। थोड़ा सा बड़ा करेंगे पहले। मैम जूम इन और जूम आउट कहाँ से किया आपने? मैम इसी के ऊपर ये जो कर्सर बने हुए आ रहे हैं, ये हर वीडियो पे यहाँ पे बने हुए आ रहे थे, इनसे ही हमने किया। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग किया और जहां भी आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं आप वो वहां पे फिक्स कर सकते हैं। ये आपका पूरी वीडियो में इसी तरीके से अपियर होगा। आप देखते हैं इसको एक बार ही, आप देखो ये लोगो पूरे में आ रहा है। तो ये है इस ट्रैक का यूज। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि निशा मेहरा जैसे उनका नाम आ रहा है, आपका भी नाम आए, तो आपको अगेन एक ट्रैक ऐड करना पड़ेगा इसके भी ऊपर, क्योंकि वो नाम भी सुपर इम्पोज होगा इस वीडियो के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, टाइटल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा दो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। फुटर वाली जो ऑप्शन है वो आप लीजिए, ये मैंने फुटर लिया, सेंटर फुटर। यहाँ पे आपका नाम ऐड होगा, ये जो फुटर टेक्स्ट है, मान लीजिए इनका नाम तो अभी निशा मेहरा है, मैं वही लिख दे रही हूँ। मान लीजिए आप उसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन द इमेज, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैंने ओके कर दिया इसको, एंड नाउ वी विल सेव इट। नाउ मैं इसको टेक्स्ट को यहाँ लेके आई और मैंने यहाँ पे रख दिया। हो सकता है मैं थोड़ा बाद में लाना चाहूँ, वो भी मैं कर सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पे रखा। अब आप देखिए इसका क्या यूज है। ये देखिए आप नीचे उनका नाम अब प्रिंटेड टेक्स्ट की तरह आ रहा है। इसी तरह मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका वीडियो, जैसे हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की, तो जो बच्चा सुन सकता है उसको तो ये ऑडियो सुनाई दे रहा है, मगर आप चाहते हो कि इसका टेक्स्ट नीचे आए, तो आप उसी तरह टाइटल स्लाइड क्रिएट करके बॉटम वाली जो हमने की अभी, वहां पे अपना टेक्स्ट साथ साथ लिख के जिस जिस टाइम तक वो आ रहा है वो वाली स्लाइड आप पेस्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट भी फ्लो होता रहेगा, जिससे कि सामने वाला अगर नहीं सुन सकता तो उस पोएम को साथ में पढ़ सकता है। या फिर अगर आपको सबटाइटल्स लगाने, आपका हिंदी में है या मराठी में, आपको हिंदी में करना है, इस तरह से आप सबटाइटल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैम ट्रैक, हाँ जी ट्रैक कैसे बढ़ाया? ट्रैक क्या मैम कैसे बढ़ा दिया मतलब ये प्लस, मैंने आपको बताया था ये प्लस बटन यहाँ पे जो है वो ट्रैक का प्लस बटन है, यहाँ से करेंगे तो ये ट्रैक ऐड हो जाएगा। ओके थैंक यू। और अगर ट्रैक को यहाँ से भी आप कर सकते हैं और रीनेम करना है, रिमूव करना है, वो भी आप ट्रैक को कर सकते हैं। ये हमारा एक लेवल हो गया जिसके अंदर हमने बेसिक कुछ चीजें सीख ली हैं जो हम यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। हमने ट्रांजिशन का यूज अभी देखा था, फेड इन फेड आउट डाल के। यहाँ पे इफेक्ट्स भी हैं। अब ये इफेक्ट क्या काम करते हैं हम वो देखेंगे। तो अब मान लीजिए ये ब्लर वाला इफेक्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बोलिए सर। ये जो अभी नीचे आपने फुटर में नाम डाला, लेकिन कई बार वीडियोस में जो बोलते जाते हैं या कुछ नरेशन है जो एक लाइन नीचे लगातार चलती रहती है, हाँ, तो सर उसी के लिए तो मैंने अभी बताया तो वो कि क्या इसमें, बिल्कुल मैंने आपको ऑलरेडी वो सवाल का जवाब दिया है कि आप आंसर जब करना है तो आपको उस वक्त भी यही वाले फुटर के फॉर्म में आप पूरा टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे अगर मैं जाती हूँ अभी आपके लिए, सेम फुटर में जाकर के ही आप वो वाला काम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो।
मान लीजिए मैंने ये लिया अभी, तो वो रन करेगा? रन नहीं करेगा ना सर, देखिए अब बता रहे हो भी, वो रन नहीं करेगा, स्टैटिक रहेगा, पर जहां पे वो लाइन खत्म होती है आप दूसरा फुटर डाल देंगे अगली लाइन के साथ, तो वो ऐसा लगेगा कि वो रन कर रहा है। ओके ओके, समझ में आई सर? जी जी, मतलब जैसे यहाँ पे, पर मेरा सवाल था मैडम रनिंग को लेकर। सर रनिंग वाला अभी इसमें नहीं है, पर इसमें ये वाला भी बाद में ही अपडेट आया था, तो हो सकता है कि कुछ टाइम में वो अपडेट भी हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। अब मैं आपको इफेक्ट्स बता रही थी, अब मान लीजिए मैंने ये वीडियो की दोबारा वो किया है, ये यहाँ पे इफेक्ट्स है, मैं इस इफेक्ट को ड्रैग करके लाती हूँ, इस वीडियो के ऊपर रख दिया, अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ब्लू बटन आ गया, इसमें एक इफेक्ट अप्लाई हो गया वीडियो में, अब हम इसको प्ले करके देखेंगे कि क्या वो इफेक्ट है। तितली रानी, आप देखिए ये वीडियो पूरा ब्लर हो गया है, तो इस तरह से आप ये सारे इफेक्ट्स को एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट्स को ट्राई करना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, कुछ को आप इजीली ट्राई कर सकते हो, तो वो आप करिए। ये इसका बिल्कुल बेसिक ओरिएंटेशन था, इसमें अगर आपके अभी कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे कुछ और चीजें भी बता सकती हूँ। Where you have opted transition, how to do it? सर यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे project file वाला button है, उसी के पास transition है, उसी के पास effects है, उसी के पास emojis है। ये emojis भी आप अपने video में use कर सकते हैं। और यहीं पे जैसे project file खुला हुआ, तो ऊपर show all button है। Show all मतलब सारी project file दिख रही है। अगर आपको सिर्फ video देखना है तो video पे क्लिक करें, audio देखना है तो audio, images देखनी है तो ये images। इस तरह से भी आप अपने उसको रख सकते हैं। आई होप शिखा मैम आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी मैम, मैंने डाउनलोड किया अभी, तो मेरा जो वीडियो है आप देखें इसको, डाउनलोड किया है आपने, मतलब वीडियो बनाया है आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने ओपन शॉट जो है उसको डाउनलोड किया, आपको ये दिख रहा आपका आपका जो फेस है वो, मतलब आपके कंप्यूटर का, और ये मेरा सामने का स्क्रीन अलग अलग सा दिख रहा है सर। वो आप ऐसा करिए, अगर आपको बहुत अलग दिख रहा है तो आप ये जो फाइल एडिट टाइटल व्यू दिख रहा है बटन आपको ऊपर, यस मैम, व्यू में जाइए। ओके, व्यू के अंदर व्यूज में जाइए, व्यू के अंदर व्यू टूल बार है, हाँ व्यूज में जाइए, उसमें सिंपल व्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसमें तो सिंपल व्यू नहीं है मैम, फुल स्क्रीन है, अच्छा व्यूज है, सिंपल व्यू डालें। ओके मैम, ओके, एक बार सिंपल, थैंक यू मैम, ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम। अवधेश जी, इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं है, मैंने पहले बताया। मैम सपोज मैं काम कर रही हूँ, इसमें प्रोजेक्ट बना रही हूँ, और किसी वजह से मेरा प्रोजेक्ट सेव्ड हुए बिना ही ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो वो फाइल हमें रिकवरी हो सकता है या फिर से बनाना पड़ेगा? फिर से बनाना पड़ेगा मैम, इसीलिए जब भी आप बनाए, जैसे अभी हमने थोड़े से चेंजेस किए तो हम साथ साथ सेव करते रहे उसको, प्रोजेक्ट फाइल को कम से कम, जब हम सेव करते रहेंगे तो हमारा बेसिक एटलीस्ट उसमें सेव्ड रहेगा। जैसे वर्ड में होता है, वर्ड में केवल एक रिकवरी हमें मिल जाती, बाकी हर चीज में हमें रिकवरी नहीं होती, तो इसमें भी नहीं होगी, तो आप सेव साथ साथ करते रहें। थैंक यू मैम, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, ये क्या नॉइज रिडक्शन इसमें है पॉसिबल? सर नॉइज ऑडियो का फीचर है, सबसे पहले ऑडियो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपको ऑडियो फाइनलाइज करना है, यहाँ पे केवल थोड़ा सा लेवल ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑडेसिटी से ही करके लाना होगा, वहां पे आपको नॉइस का फीचर सर ने बताया था, तो उस माध्यम से आप कर सकते हैं। मैम एक क्या इसको स्पीड बढ़ा करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? स्पीड बढ़ा सकते हैं सर, वो सब कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए तरीका बता देती हूँ, करके आप देखिए फिर बताइए कि कैसी। जैसे हमने यहाँ राइट क्लिक किया अपनी वीडियो पे, मतलब किसी भी चीज पे, इमेज पे या उस पे, प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए जो आपका खुला है, अभी मैंने वीडियो की बात की थी तो ये वीडियो है, यहाँ उसकी बहुत सारी टेक्निकल जो सारी डिटेल्स दी हुई है, वॉल्यूम वेव सभी कुछ दिया है। यहाँ पे जो ये फ्रेम है, फ्रेम्स को भी हम बढ़ाएंगे या स्पीड चेंज करेंगे तो ये हमारी प्ले में स्पीड बदल जाएगी, बट ऑफ कोर्स ये आप खुद एक बार ट्राई करिए, एक एक करके इन फीचर्स को एक्सप्लोर करिए, तभी आप ये कर पाएंगे।
बट हाँ पॉसिबिलिटी आपके पास वो है। अब मैं आगे चलूं या एक ऑडियो और वीडियो को जो हम लोग अलग किए थे सेपरेट किए थे अगर कट करते हैं तो ऑडियो अलग या वीडियो अलग कट होता है तो सर फिर आपको अलग अलग कट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया था उस वीडियो के बीच में इमेज डाला था, मैं चाहती थी ऑडियो कंटिन्यू रहे तो मैंने ऑडियो को कट नहीं किया, पर अगर आप चाहते हैं वहाँ ऑडियो भी कट जाए तब आप ऑडियो भी उसी पॉइंट पे कट कर सकते हैं, उसी पॉइंट पर कट करना। एक क्वेश्चन है कैन वी एडिट वीडियो मेड थ्रू पीपीटी। मैम यू कैन एडिट एनी वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वीडियो आप एडिट कर सकते हो। अब मैं एक फीचर जो दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी मैम, मेरा स्क्रीन आपकी तरह नहीं आ रहा है, मैंने जब इसे खोला तो मेरा स्क्रीन दूसरी तरह का आ रहा है, क्या मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकती हूँ? नहीं मैम, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप वो सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए ये आंसर, अभी मैंने 2 मिनट पहले किसी को बताया था। अगर ओपन करने पे स्क्रीन ऐसा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो व्यू में जाए, ऊपर ये फाइल एडिट टाइटल व्यू बटन है, व्यू में जाने के बाद व्यूज पे क्लिक करें, व्यूज पे जब आप क्लिक करेंगे 4 ऑप्शंस खुलेंगी, आप सिंपल व्यू पे क्लिक करिए। मैं कर चुकी मैम, लेकिन फिर भी मेरा आपकी तरह नहीं आ रहा है, मेरा ट्रैक्स जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है और कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा मैम ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले डॉट्स मेरा कर्सर है जहाँ पे, यस यस मैम, इन डॉट्स को अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके ट्रैक और वो सब छोटे बड़े हो सकते हैं। ये कर लीजिए और दूसरा साथ में ये भी देख लीजिए कि इन दोनों में भी अगर आपको कुछ छोटा बड़ा करना है वो भी आप यहाँ वाले डॉट से कर सकते हैं। जी ये आपने शुरू में बताया था कि ये पूरे एरियाज एडजस्टेबल है थ्रू ड्रैगिंग। हाँ तो वो ये ऐसी कोई बात नहीं है मैम, ट्रैक ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो सिंपल हम जैसे विंडोज को एडजस्ट करते हैं छोटा करके वैसे ही है ये, तो आप इसके ऊपर ज्यादा परेशान होइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट वाला दिया हुआ मैम, ये यहाँ पे कट के बगल में, हाँ ऑप्शन है मैम। ओके ये आपने मैग्नेट का ऑप्शन देखा तो बहुत अच्छा गया, मैंने जान के एक्सप्लेन नहीं किया था, आपने देखा होगा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, मैं इसको डीसिलेक्ट करूंगी तो ये डीसिलेक्ट होगा, लेकिन ये अदरवाइज सिलेक्टेड ऑप्शन है। इसका मकसद क्या है, आप प्लीज साइलेंट रहें जो भी बोल रहे हैं बीच में। आप देखिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो को अलग किया बहुत केयरफुली, अब आप स्क्रीन पे देखिए क्योंकि ये फीचर अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, इसका बहुत वो नहीं है हमसे, लेकिन फिर भी बेसिकली जब दो वीडियोज या दो इमेजेस को हम ज्वाइन करते हैं तो बीच में जरा सा भी गैप आएगा तो वो ब्लैक की तरह अपीयर होगा, तो वो गैप ना आए इसलिए मैग्नेट टूल है, ये दो इमेजेस को आपस में बराबर जोड़ता है। अब आप देखिए मैं जैसे ही इसके पास जाऊंगी ना तो एक ब्लू लाइन अपीयर होती है और वो उसको बंद कर देती है, दैट मीन्स वहां मैग्नेट टूल काम कर रहा है और उसने आपस में दोनों को जोड़ दिया, तो कोई गैप नहीं है, बस इतना ही इसका पर्पस है। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा इफेक्ट मैं आपको सिखाना चाह रही हूं। उसके लिए मैं दूसरा प्रोजेक्ट खोलूंगी। ये मैंने आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट खोला है, अगेन मैं इंपोर्ट कर रही हूं कुछ वीडियो और कुछ इमेजेस, ये एक इमेज है, ये 3 चीजें मैं यहां पे इंपोर्ट कर रही हूं। ठीक है अब मैं इनको ये एक वीडियो है छोटा सा, इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है, ये सिर्फ एक रैबिट है जो ग्रीन बैकग्राउंड पे बैठा हुआ है, क्या आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? ग्रीन स्क्रीन क्रोमा, ग्रीन क्रोमा। यस तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते हैं कि हम क्रोमा कैसे करें, क्योंकि अक्सर हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं एक अच्छा बैकग्राउंड ना होने की वजह से हमारा वीडियो भी खराब हो जाता है, तो हम क्रोमा को यहाँ पे सीखने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो ऑनलाइन उसमें से डाउनलोड किया है। अब इसके पीछे या तो मैं ये ग्रास लगा सकती हूँ, ये ग्रास मैंने एक डाउनलोड की है, अब देखिए ग्रास इसके बैकग्राउंड पे मैं लगाना चाहती हूँ, या फिर एक ये बैकग्राउंड मैंने छोटा सा निकाला था एक इमेज,
ये मैं इसके पीछे लगाना चाहती हूँ, मैं अपना बैकग्राउंड बेसिकली चेंज कर रही हूँ। सो इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी जैसा मैंने आपको बताया था पहले। अब अगर मैं देखती हूँ तो ये तो पूरा क्रोमा दिख ही नहीं रहा, मतलब हुआ ही नहीं, मेरा रैबिट नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने इस रैबिट पे क्लिक करना है और अपने कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है। फिर मैं जाऊंगी इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स में आप देखेंगे इफेक्ट है क्रोमा की। क्रोमा की को मैं खींच के नीचे लाऊंगी और उस वीडियो पे रखूंगी जिसके ऊपर मैंने क्रोमा करना है। ये क्रोमा पे जैसे ही मैं उस वीडियो पे रखूंगी, आप देखेंगे यहाँ पे एक सी बटन आ गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस पे प्रॉपर्टीज आएंगी। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये आपके पास वो प्रॉपर्टी खुल गई। जैसे मैंने आपको पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी खोली थी, इसी तरह इसकी क्रोमा की प्रॉपर्टी ये खुल गई। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्रोमा है और मेरे पास ये इमेज है जिसके ऊपर मुझे क्रोमा को करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले की कलर को सिलेक्ट करूंगी कि किस कलर को मैं उड़ाना चाहती हूँ अपने इस इमेज में से। ठीक है, तो मैं जैसे ही की कलर पे डबल क्लिक करूंगी, ये पैलेट खुल जाएगा। यहां से मैं अपने आप भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसका मतलब ये होगा कि मेरा सिलेक्शन गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पे पिक स्क्रीन कलर करके ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक करती हूँ। अपना कर्सर बाहर लाऊंगी, ये कलर मुझे बाहर जो है ये वाला क्लिक करना है, तो मैंने ये क्लिक किया ओके, और आप देखेंगे कि पीछे से वो उड़ना शुरू हो गया। ये देखिए इसका उड़ना शुरू हो गया ये कलर अभी, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको थोड़ा सा प्ले करेंगे। ये हमारा हिट एंड ट्रायल होगा। जैसे अभी मैंने 250 किया तो बहुत ज्यादा सभी कुछ उड़ गया, तो 250 यहाँ पे नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा कम इसको नंबर देना होगा। अब आप देखेंगे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई विल डू इट 70। ये हमें हिट एंड ट्रायल करके देखते रहना होगा कि किस पे ये मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब हमने इतना कर लिया, अभी भी हमारा ग्रीन कलर थोड़ा सा अवेलेबल है और रैबिट हमारा पूरा ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा इसी क्रोमा को नीचे उतारेंगे, इसी वाली वीडियो पे रखेंगे। अब इसके सी पे क्लिक करेंगे, दोबारा एक की कलर चूज करेंगे, पिक स्क्रीन कलर, ये मैं अब यहां से कलर चूज कर रही हूँ एंड ओके। अब जब ओके करेंगे तो यहां मैं फिर से एक वैल्यू दूंगी। अब आप देखेंगे बहुत सारा कलर उड़ गया। इस तरह से हमको ये थोड़ा सा इसको चेंज कर करके इसकी वैल्यू को इस कलर के साथ समझना पड़ेगा। मैंने दोनों को 60 पे किया तो थोड़ा सा बेटर हमारा रिजल्ट आ रहा है। अभी भी हमें लग रहा है कि अब रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो हम एक बार और क्रोमा की को नीचे लाएंगे। इस बार हम उस पर क्लिक करेंगे, एक और कलर हमें पिक करना है, पिक स्क्रीन कलर। अब ये जो यहाँ पे कलर है ये वाला, इसको मैं पिक कर रही हूँ कि अंदर की तरफ है, तो हो सकता है थोड़ा डार्क शेड हो। ओके, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू टू सिर्फ 30, मे बी 50, आई हैव टू ट्राई अगेन। ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा रैबिट का बैकग्राउंड उड़ गया। अब आप देखेंगे तो हम एक सेकंड, अब आप देखिए ये हमारा रैबिट कहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर। अब हमें लग रहा है कि हमारा जो रैबिट है वो बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम रैबिट को थोड़ा सा छोटा करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये देखना है कि बॉक्सेस किसके हैं। इस तरह मैंने रैबिट को, मेरी इमेज के मुकाबले वो काफी बड़ा था, तो मैंने उसको छोटा किया और नीचे ग्रास पे लाके यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, अब ये मैंने सेंटर में किया, तो हो सकता है स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट ना हो। अब आप देखेंगे लोकेशन, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मेरी लोकेशन चेंज हो रही है क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट किया है। ये देखिए अभी शिफ्ट हो रहा है हमारे सामने। तो इस तरह से हम
क्रोमा भी कर सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी भले ही हमसे ना हो पाए इस सॉफ्टवेयर के जरिए, क्योंकि क्रोमा जो है वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट फिर भी एक लेवल का हमने देखिए बहुत अच्छे से नीटली इस रैबिट को हमने वो कर लिया है, मूव भी किया है, ठीक है। सो ये मेरा वो था लास्ट पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया आपको ये सारे स्टेप्स? तीन बार मैंने एक ही स्टेप आपको दिखाया इसीलिए कि आपको वो समझ में आए। क्रोमा के लिए हमें एक क्रोमा बेस्ड वीडियो चाहिए और एक बैकग्राउंड के लिए इमेज चाहिए जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमें क्रोमा को अप्लाई करना है 3-4 बार डिपेंडिंग ऑन द नीड, और उसके बाद ही हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। हाउ रैबिट साइज डिक्रीज्ड? मैम ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ ना, इमेज कोई भी जो भी आपको दिख रही है उसको आप बड़ा छोटा ऐसे कर लीजिए, कर्सर को मूव करके ही आप कर पाएंगे। ओके मैम, समझ गई, थैंक यू। तो आई होप आपको काफी सारे इफेक्ट समझ में आ गए। इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो कि बहुत मुश्किल है एक ही सेशन में हम सारे करें, या आपको सबकी जरूरत पड़े तो आपको जो जो आप लगे आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपको किसी भी इफेक्ट में प्रॉब्लम आए तो आपके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि आप इसका ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हैं। ओपन शॉट वीडियो एडिटर जो वेबसाइट हमने खोली थी उसी पर इसके सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप स्टेप वाइज भी सीख सकते हैं। हाउ ऑलिव सॉफ्टवेयर इज? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑलिव सॉफ्टवेयर, इट माइट बी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज जस्ट दैट टू सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। हाँ मैम, अब आप प्रैक्टिकल आज करिएगा इसका, कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप में डाल देना, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। और जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है उसका वीडियो बना के आप एडिट करिए और फिर हम लोग के असाइनमेंट पे आप कल सबमिट करेंगे। मैम मैं क्लिप चैम्प में एडिट करती हूँ, तो क्या क्लिप चैम्प में एडिट करके वीडियो डाल सकती हूँ? नहीं मैम, मैं मेरी वो रहेगी कि हम जब ट्रेनिंग में एक चीज सीख रहे हैं तो उसको जरूर एक बार ट्राई करें। आप अपने प्रैक्टिकल में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर इसको भी जरूर एक बार ट्राई करें। आप असाइनमेंट में मुझे इसी में बना के देना होगा? जी जी बिल्कुल, जैसे कल किसी ने VUE के बिना कोई कॉन्सेप्ट मैप डाला था तो गुलशन मैम ने उसी वक्त बता दिया था कि ये उसका नहीं बना है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि जिस एप्लीकेशन को हम सीख रहे हैं उसको हम यूज करें और उसी का हम डालें, ताकि हमें समझ में आए कि हम आपको क्या सिखा पाए या नहीं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। अब आई डोंट थिंक की तरह ही इसे ऑपरेट करना भी आसान है। वेरी गुड सर, अच्छी बात है रवि जी, आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं तो आपके साथ हर दिन बनी ही हुई हूँ तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअली वहां भी जवाब देती रहूंगी, ग्रुप पर ही पूछे, पर्सनल में ना पूछे, क्योंकि आपके सवाल से बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाती है। इंडिविजुअल में फिर वही सवाल बार बार होगा। सर दोज हु डोंट हैव लैपटॉप, ये तो सर अब ICT ट्रेनिंग है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लैपटॉप होगा आपके पास, और आज कोरोना के बाद तो लगभग सभी ने इसके ऊपर वो भी किया है और यूजफुल चीज है, तो ये तो सर मैं इसमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैम वीडियो प्रीव्यू का जो जो जहां हम लोग प्रीव्यू देखते हैं फुल स्क्रीन किया जा सकता है क्या इसमें? सर उसको बड़ा कर सकते हैं ना ड्रैग करके, जैसे मैंने करके दिखाया था आपको, बाकी चीजें आप क्लोज कर दीजिए, पर आप एडिट कैसे करेंगे फिर ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं सिर्फ देखने के लिए मैम, जैसे हाँ हाँ वो आप बड़ा कर लीजिए सर, बाकी आप क्लोज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप वापस व्यू में जाके सिंपल व्यू ऑन कर लीजिए तो आपकी सारी चीजें अपीयर हो जाएंगी। मैम और मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ है जो मतलब यूज करता है? प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सर, प्रोफेशनल तो अडोब प्रीमियर यूज होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, बट दैट हैज टू बी इन्वेस्टमेंट वाला सॉफ्टवेयर है, आपको उसको पे करना पड़ेगा और रेगुलर अपडेट में भी हो सकता है उसकी पेमेंट जाएगी, तो वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल चीज है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस पोस्ट हो गई है ग्रुप में चैट में, तो आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए सो दैट आपकी अटेंडेंस आज मिस ना हो। अभी सुबह कुछ लोगों की मिस हुई है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस।
और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मैम. बीयूई में माइंड मैप पीडीएफ में सेव किया तो अदर इफेक्ट्स की नोट्स कीवर्ड्स नहीं दिया दिख रहा है. मैम हाँ जी जी बोलिए सर. मैं अभिषेक बोल रहा हूँ. मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये वीडियो एडिटिंग ऐप ये जो सॉफ्टवेयर था मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था लैपटॉप में, वो हो नहीं रहा है. मैं मोबाइल में पहले से काइन मास्टर और दूसरे ऐप को यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग करने के लिए. हाँ. तो क्या मैं जब हमारा जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें वो दूसरे ऐप से भी बना करके दे सकता हूँ? नहीं सर, मैंने अभी यही चीज पहले भी आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि कोशिश करें जब हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो अभी हम उसी में रिप्लाई करें सो दैट हमें पता चले आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. और डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 32 बिट या 64 बिट आपका जो भी कंप्यूटर है उसकी टेक्निकलिटी के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सर. एक्चुअली मैम कल जो सॉफ्टवेयर अपलोड करने की बात हो रही थी वो मैं कर ही पाया और उसमें लॉगिन भी नहीं हो पाया मेरा. कौन उसमें अटैकर्स माइट अच्छा सर आपने कोई कल कल भी मैं नहीं कर पाया सर. उसको आप उसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें आपका हो जाएगा. डेस्कटॉप वर्जन इजी है और भी सिंपल होगा. और अगर दिक्कत आ रही है तो आपका अपने थोड़े से वो सेफ्टी फीचर्स जो आपने अपने ब्राउजर पे लगाए हैं वो थोड़े कम कर देंगे तो वो हो जाएगा, आपका वर्क करेगा. असाइनमेंट के लिए कुछ टॉपिक सुझाया जाए, किसी ने लिखा है सर आप अपने सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, पॉल्यूशन उठा लीजिए सबसे सिंपल है, नहीं तो आप कोई भी क्लास का टॉपिक है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है साइंस में या मैथ्स का कोई टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक उठा करके उसके ऊपर अपना वीडियो, कोई पोएम के ऊपर बना सकते हैं या कोई सोशल साइंस का कोई टॉपिक ले लीजिए उस पे अपना वीडियो बना सकते हैं. मैम एक्सक्यूज मी, हम एडोब प्रीमियर यूज करते हैं तो ये भी अभी एक इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा. मैं एडोब प्रीमियर यूज करके वीडियो बना सकता हूँ सर. मेरा प्रेफरेंस अभी के वर्कशॉप के लिए रहेगा कि आप एक बार इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करें, हो सकता है आप क्योंकि प्रीमियर पे काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छे फीचर्स और भी हमें बता पाए. तो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप ज्यादा प्रोफेशनली ही कर रहे हैं, हमसे आगे ही कर रहे हैं, कोई कम नहीं है. पर इसके लिए अगर आप इसको यूज कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा. ओके थैंक यू जी. मैम असाइनमेंट में क्या क्या देना है एक बार अगर बता देते. मैम आपको एक OER सर्टिफिकेट लगाना होगा, उसके अलावा तीन कोई भी अपने फेवरेट टूल जो आपने अभी किए हैं उनका आपको आउटपुट, जैसे कि अगर हमने वीडियो बनाया तो उसका MP4 अटैच कर दीजिए, ऑडियो बनाया तो MP3, आपने कोई कॉन्सेप्ट मैप बनाया तो उसका इमेज या PDF, आपने कोई इन्फोग्राफिक बनाया तो उसका इमेज या PDF, कल आप एक स्टॉप मोशन एनिमेशन सीखेंगे उसका वीडियो, इनमें से कोई भी तीन रिसोर्सेज आप अटैच कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट. ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आज इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी सो दैट आप लोग आराम से काम करना शुरू कर सकें. मैम वीडियो का ड्यूरेशन क्या होगा? कोई भी हो सकता है मैम, 2 मिनट भी हो सकता है. आप अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं क्योंकि 2 से 3 मिनट 4 मिनट बहुत है, उससे ज्यादा बड़ा अभी मत बनाइए. ओके मैम. May I choose topic related to DLED? Yes, yes, Manisha ji, you can choose any topic. Topic आपका subject है, उस पे हम लोग नहीं अभी, हम आपको content पे evaluate नहीं कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि आपने software के ऊपर effort किया है और आपको उसके जो features आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आए, ये है इसका purpose. आज assignment की मैं सारी information group के ऊपर post कर दूंगी. मैम स्टॉप मोशन एनिमेशन है ये पेड वर्जन है क्या? मैम कोई भी जो फ्री एप्लीकेशन होती है उसका कुछ पार्ट पेड होता है कुछ फ्री होता है, तो हम फ्री वर्जन वाला पार्ट ही यूज करेंगे, पेड वाला यूज नहीं करेंगे. ओके. वो आपको कल जो हम अभी करने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कल ही लें तो ज्यादा बेहतर होगा. और कोई सवाल आपका आज से रिलेटेड? आलोक सर हाँ जी, ये जानना चाह रही थी वीडियो एक ही बनाना है ना, ऐसा तो नहीं कि एक पहले बनाऊंगी फिर एडिट करके जो दो बनाना है, ऐसा तो नहीं?
मतलब मैं समझी नहीं, आपको एक वीडियो एज एन असाइनमेंट एडिट करके डालना है क्योंकि एडिटिंग आपकी देखी जाएगी, तो वो आप उस हिसाब से कोई कैसे भी कर लीजिए। ओके मैम, थैंक यू।